गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो आज अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है ऑफिस के काम से बैंगलोर, और आज का व्लॉग इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज की जो व्लॉगिंग होगी वो पूरी पूरी होगी नए वाले आईफोन 15 प्रो पे, और मैं देखूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है व्लॉगिंग करने का इस फ़ोन के थ्रू। तो फ़ोन तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही इससे करी है, लेकिन सुबह का बज रहा है देखो 4:30 और मेरी फ़्लाइट है सुबह 9 बजे की। लेकिन मैसेज आ गया है कि 3 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है। मुझे नहीं मालूम किस बात का कंजेशन है, क्यों कंजेशन है, लेकिन बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी निकलता हूँ, कैब मैंने बुक कर दी है, होपफुली कोई नाटक ना हो, कैब बोर्ड करते एयरपोर्ट पहुँचते हैं और एयरपोर्ट मिलता हूँ। चलो चलो भाई। तो मैंने कहा नीचे क्या सी ऑफ करने आना, ठंड हो रही है और यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मम्मी को तो खांसी होने लगेगी और शैली को भी गले में ना चोक चोक सा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है यहाँ पर। अगर आप सर्च करोगे दिल्ली एनसीआर में बहुत हालत खराब है। तो अपना 3-4 दिन का प्रोग्राम है, ये रहा अपना छोटा सा बैग और ये रहा अपना लैपटॉप का बैग। तो जैसे युद्ध में जाते थे ना, सॉरी जब प्रभु राम भी निकले थे ना, तो हथियार के बिना नहीं निकलते थे, क्षत्रिय जो निकलते हैं ना बिना हथियार के नहीं निकलते, और ये हमारा हथियार है लैपटॉप। तो ये हमारे पास जरूर होना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। तो वैसे तो ऑफिस काम से आ रहे हैं, नहीं जाते तो लैपटॉप रखते हैं। क्या भैया बाहर वेट कर रहे हैं। मौसम में हल्की हल्की ठंडक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्की हल्की ठंडक हो रखी है। कुछ लोगों ने स्वेटर जैकेट पहनी बट मैंने नहीं पहनी कुछ भी। यार फ्लाइट तो मेरी 9:05 पे, लेकिन जो मैसेज आया था ना फ्लाइट का कि आपको पहुंच जाना है 6 बजे, मैं यहाँ आ गया था करीब करीब 5:30 बजे। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो चुका है 6:20। ऐसी कोई भीड़ नहीं थी, भीड़ थी एयरपोर्ट पर हमेशा रहती है, ऐसी कोई भीड़ नहीं थी जिसके मुझे 3 घंटे पहले आना पड़ा। मेरे पास पूरे पूरे 2.5 से 3.5 घंटे हैं झक मारने के लिए। सोच रहा हूँ कहीं रेस्ट कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। और व्यू देखो जरा, ये ठंड का व्यू नहीं है, ये व्यू है स्मॉग है, ये स्मॉग, ये पोल्यूशन का असर है। तो दिल्ली में पोल्यूशन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो N95 मास्क जरूर यूज़ करो। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता नहीं था। हाँ लौटते हुए रखूँगा अपने पास, लेकिन ज़रूर, क्योंकि नुकसान हो सकता है। तो चलो वेट करते हैं, देखता हूँ कोई लाउंज मिल जाता है तो लाउंज में बैठूंगा, नहीं तो यहाँ पर किसी रिक्लाइनर पर टिक जाता हूँ। 2-2.5 घंटा है मेरे पास अपने गेट के पास जाके, मेरा गेट नंबर है 46। कंफर्टेबल तो यार, लेकिन डर लग रहा है कि नींद ना आ जाए, सो गए ना तो गेम हो जाएगा। अभी सोचो क्या हुआ मेरे साथ, मैं सोच रहा था कि बहुत ही स्टूपिड हरकत करी है मैंने। तो सिक्योरिटी चेक इन जब होता है ना तो सारा सामान आपको निकाल के रख देना होता है अपने बैग के अंदर। तो मैंने अपनी ना गाड़ी भी बैग के अंदर निकाल के रख दी थी, और अभी जो मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ रिक्लाइनर पे, तो मैंने कहा टाइम चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने टाइम चेक करा मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो 1:10 हो रहा है। तो मैं यही कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं डोमेस्टिक ट्रैवल पे हूँ या इंटरनेशनल ट्रैवल पे, टाइम चेंज हो जाता है ना। तो मैंने कहा ये 1:10 क्यों हो रहा है। मुझे 2-3 मिनट लगे समझने, मुझे याद आया कि मैंने ना घड़ी उल्टी पहनी हुई है, ये देखो ऐसे दिखा रहा है 1:10। और अगर इसको ऐसे देखोगे तो हो रहा है 7:25 बाकी है। मेरे पीछे ना एक वेंडिंग मशीन लगी है, तो इस वेंडिंग मशीन से मैं सोच रहा हूँ कि पानी ले लेता हूँ क्योंकि पानी नहीं है मेरे पास। और फ्लाइट में ना चुल्लू पर पानी मिलता है डूब मारने के लिए, जिसमें ना प्यास बुझेगी और ना काम चलेगा। और मेरा रास्ता है बहुत लंबा क्योंकि एयरपोर्ट से मुझे बहुत दूर जाना है। पहले अपने एक कलीग के घर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर हमारे लंच का इंतजाम है और बहुत साल बाद मिल रहा हूँ, उसके बारे में बात करूँगा। फिलहाल ना ये देखो, ये दिख रहा है, इस वेंडिंग मशीन से निकालता हूँ एक पानी की बॉटल। चलो ये चार्जेस लगे हैं, हर चीज़ का पानी की बॉटल 10 रुपये खर्च करता हूँ। टू कार्ट, डिस्पेंस हो गई है भाई। दसानी की बॉटल है 10 रुपीज़ की, मिल गई है, ठंडा पानी है। अच्छा ये चीज़ मुझे अच्छी लगी ना, एयरपोर्ट में वैसे पानी आपको महंगा मिलेगा लेकिन यहाँ पर 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये, और डिपेंड करता है अगर स्पार्कलिंग वाटर कोई और वाटर ले रहा है तो और भी महंगा हो सकता है। 10 रुपीज़ में अगर बॉटल आपको मिल रही है ना तो अच्छी है। कितने लीटर है ये, 1 लीटर तो नहीं है, 500 ml की बॉटल है, अच्छी बॉटल है, ठंडा पानी भी है। चलो पीते हैं, इन्जॉय करते हैं और वेट करते हैं। अभी गाड़ी उल्टी है, 7 बजने वाला, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नींद तो आएगी नहीं ना, मुझे सोना है, मतलब नींद आ जाएगी लेकिन सोना नहीं है, रिस्क नहीं लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी ले लेता हूँ। तो चलो देखते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं और कॉफ़ी पी लेते हैं। कुछ खाया नहीं है तो पेट भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, कॉफ़ी पी लेंगे थोड़ी सुस्ती नहीं आएगी। नहीं, नो फ्लेवर नो शुगर, उसको थोड़ा ज़्यादा हॉट कर दीजिए, अच्छे से हॉट कर दीजिए।
कॉफ़ी ले ली यार अपनी, कुछ ज़्यादा ही लार्ज ले लिया, मुझे लगा था लार्ज की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, कुछ ज़्यादा ही लार्ज, अब ढकेलने में उसको टाइम लगेगा। अभी भी मेरे पास कम से कम 2 घंटे हैं टेक ऑफ के लिए, और अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में कम से कम 1 घंटे से ऊपर टाइम है, तो कॉफ़ी निपटाते हैं और उसके बाद वहीं बैठ के रेस्ट करते हैं गेट के पास। गेट मेरा थोड़ा दूर है, कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, पीछे पूरा पीछे तक जाना पड़ेगा। अभी दिख नहीं रहा होगा, सिनेमेटिक मोड यूज़ कर रहा हूँ ना, अब दिखाई दे रहा होगा पीछे तक पूरा गेट, 6 है गेट नंबर। तो ये जो पूरा व्लॉग है ना, ये मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन 15 प्रो पे, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेरा व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए क्या 15 प्रो व्लॉगिंग के लिए कैसा रहेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ज़रूर उसको देख लेना। और अभी देखो यार कहीं धमाके हो गए, मैं यहाँ टीवी के सामने बैठ गया और देखने की कोशिश कर रहा हूँ, माहौल हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं दुनिया के। अभी जब मैं बाहर गया हुआ था यूरोप, उस टाइम पर भी बहुत कुछ हुआ था वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फीलिंग आ रही थी, और जहाँ हो रहा है उनके लिए तो खैर ख़राब सी चीज़ है। तो बस यही कर सकते हैं कि लोग मिलकर प्रे करें कि भाई चीज़ें ठीक हों, दीन दुनिया पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं वो थोड़े ठीक होने चाहिए। चलो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और फिर बोर्डिंग का इंतज़ार करते हैं। 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा निकालना ना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सोचते हैं किसी फ्लाइट में आपको अच्छा लेग रूम मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। बस भाई प्लेन टेक ऑफ होते ही आ गया मील, और मील खोल के दिखाता हूँ क्या मिला इस मील में। सुबह का समय तो नाश्ते टाइप का आइटम, हाँ यही है उपमा है ये हमारे पास, और ये है इडली और सांभर। काफ़ी देर से सांभर डाल दिया गया, शायद एकदम सोक लिया है उसने, और ये इसकी कटलरी दी गई है, ये शायद वुडन सी लग रही है, अच्छी है ये। और उपमा देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और इडली बहुत अच्छी लग रही है, उपमा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खा के बताता हूँ कैसा है। और गर्म है सब कुछ, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सब कुछ एकदम गर्म मिल रहा है, तो ये अच्छी सर्विस लगी मेरे को, खाना अच्छा है, और साउथ जा रहे हैं, साउथ का खाना खा रहे हैं। और मील के बाद टाइम आ गया हॉट बेवरेज का, ये आ गई कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, साथ में क्रीमर ले लिया है, सारे डाल देता हूँ उसमें। कॉफ़ी की क्वान्टिटी थोड़ी कम है, सोच रहा था बोलूँ पूरा भर दो ऊपर तक, ठीक है जितनी भी लिए। तो फाइनल तो लैंड कर गया हूँ मैं कैंपाकोला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, और यहाँ पर फ्लाइट हमारी लेट हुई है कम से कम 15 मिनट। अब यहाँ से मैंने ओला बुक कर लिए, अब देखते हैं ओला वाला क्या ड्रामा करता है, कैश में जाता है या फिर ऑनलाइन में मान जाता है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने कलीग के घर, दिखाता हूँ एक चीज़। चलो बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुलाकात होने वाली है, 5 साल बाद मिलने वाले हैं हम आज। मैं गला जा रहा था, चेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में था, ये प्राइवेट टैक्सी वाला है, सॉरी ये प्राइवेट वाला है, अब मुझे जाना है अपोजिट डायरेक्शन में ओला उबर के लिए। अच्छा हुआ पूछ लिया, 9357। मुझे लग रहा था बारिश नहीं हो रही है, थैंकफुली बारिश नहीं हो रही है, इसमें छाता तो मैंने रख ही लिया था, छाता रखने की आदत हो गई, जहाँ जाता हूँ बारिश हो जाती है, छाता रख लिया था, बट फॉर्चुनेटली बारिश हो नहीं रही है। अब जाऊँगा अपने दोस्त के घर, उसका फ़ोन भी आ गया जैसे लैंड करा कि भाई कहाँ हो, तो मैंने बता दिया भाई फ्लाइट तो 15 मिनट डिले हो गई थी, कैब मिल गई लेकिन जल्दी तो पहुँचने वाली है, लेकिन मेरा डायलॉग कुछ और था, मेरा डायलॉग था तुम्हारे घर भी कदम रख दिया है, कैब में तशरीफ़ रखने की देरी है, पहुँच जाएंगे तुम्हारे यहाँ, तो बस ऑन द वे है। आप पूछोगे तो बैंगलोर के बारे में खराब क्या लगता है, खराब लगता ही है, समझ गए इसका मतलब ये है ट्रैफिक जाम। और बैंगलोर बंदा में अपने ट्रैफिक जाम के लिए, अपने रोड्स के लिए, कि रोड अच्छी नहीं है और ट्रैफिक जाम भी होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, खुद गूगल पर सर्च करना, और जो लोग बैंगलोर देख रहे हो तो समझ ही गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है यहाँ की, जाम बहुत ज़्यादा लगता है, छोटी सी भी दूरी पर अगर आपको जाना होगा ना समझ लो भैया गेम हो गया आपका। इसीलिए मेरे को बहुत चेंज लग रहा था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग कर दिया। ओके ओके, अब समझ में आया मेरे को। और ये टर्मिनल 2 है, नया बना हुआ है पूरा, नया
पूरा नया है ये, इसीलिए वही मुझे लग रहा था कि एयरपोर्ट इतना चेंज हो गया, इंटरनेशनल डोमेस्टिक अलग अलग कर दिया इसीलिए। भैया तो मेरे पीछे देख रहे हो एल्डोराडो, विजय श्री एल्डोराडो, ये आ गया अपने फ्रेंड के घर पर। अब एंट्री करते हैं और पहुँचते हैं और मिलवाता हूँ आपको, उसके रिएक्शन देखते हैं कैसे रहते हैं। फ़ोन में केवल 2% बैटरी रह गई है और रिएक्शन कैप्चर करना भाई का मुझे। क्या हाल है तेरे? हेलो भाभी, हाउ आर यू? हेलो स्लिम एंड ट्रिम। हेलो हाउ आर यू? गुड। हाँ भाई, जीवा क्या खाएगी? जीवा खाएगी रोटी दाल सब्जी। अरे वाह, रोटी दाल सब्जी। इसका एक वो दो यार, घेर बांधो यार प्लीज खाना। अरे वो रोटी पनीर पसंद है। अरे पनीर तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरे को भी पसंद है। देखिएगा वीडियो, पनीर खाया तो बस पनीर हो जाएगा हमारे घर में। उसको ये प्रॉब्लम रहती है मैं कहाँ क्या खा रहा हूँ। हाँ यस बेटा, 2 मिनट्स बस, थोड़ा थोड़ा देना, मैं ले लूँगा। आपको जो लेना है लीजिए। तो मेरे को दूध से कंफ्यूज हो जाता हूँ। पास पास पहले फिनिश करना उसके बाद। हालांकि वैसे भी घूमने वाली जगह है नहीं। और इधर ये भाई रोबोट अपने लगा हुआ सफाई करने में, और काम खत्म करके डॉकिंग स्टेशन जाके फिट हो गया। मस्त आइटम है भाई ये।